क्या नाम भाई आपका? कैलाश चौरसिया। कैलाश? कैलाश चौरसिया। ओके, बताइए क्या हुआ? फाउंडेशन में था मैं। फाउंडेशन में मतलब? नशा मुक्ति केंद्र, रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसको बोलते हैं। ओके, संजीवन फाउंडेशन में था मैं। ओके, संजीवन फाउंडेशन में था मैं। 20 महीना था मैं वहाँ पर। मेरे घर वाले ने नशा उठाने के हिसाब से रखा और हर महीना पैसा भर रहे थे वो लोग। ओके, अभी कितना भर रहे थे वो लोग बताते मेरे को नहीं है, लेकिन 20 से 25 हज़ार जा रहा था पर मंथ। 20,000 रुपया, 25-20 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे थे। ओके, बराबर। और घर वालों ने मेरे कहा था कि इनको कमर में तकलीफ है। ओके, और कोई काम करेंगे नहीं, कोई काम करेंगे नहीं। काम काय को करेंगे? आप तो वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गए थे, काम काय को करेंगे आप? लेकिन फिर भी मैं बुढ़े लोग का वहाँ पर जो ओल्डेज है, ओल्डेज वाले, हाँ हाँ, उनका मैं डेली डायपर चेंज करता था। क्यों आप करते थे? आप तो ट्रीटमेंट के लिए गए थे कि काम करने गए थे? करवाते थे मेरे से जो जबरदस्ती। जबरदस्ती कौन सा फाउंडेशन? संजीवन। संजीवन फाउंडेशन। ओके, धर्मेश सेठ। क्या नाम है? धर्मेश सेठ। वो कौन है? वहाँ का मेन आदमी। मेन आदमी मतलब? अच्छा, प्रॉपर राइटर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ओके बराबर। ओके, डायपर चेंज करना, संडास उठाना, तो ये सब आपसे करवाते थे? अरे मैं करता था। 20,000 रुपया महीना देने के बाद भी? 10 महीने मैंने किया है। और जब जब उनके है ना जो ओल्ड एज के आदमी है ना आते थे घर वाले, तो मेरे को बुलाते थे कि हाँ भाई ये तुम्हारा केयर टेकर है, इनको रखा है हमने, और उनसे डबल चार्ज लेते थे, हमारे घर वाले से तो लेते थे। मतलब आपसे काम भी करवाते थे और सामने वाले से भी मतलब बोलते थे कि हाँ भाई ये केयर टेकर है। केयर टेकर है मतलब नौकरी करने वाला? हाँ मैं। आप नौकरी करने वाला है, आप उनका ध्यान रखोगे? ध्यान रखते स्पेशल। ओके ओके ओके, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए गए थे हकीकत में? ट्रीटमेंट के लिए गया था। ओके, और मेरे से ये सब करवा रहे थे। तो आपने कभी घर पे फोन करके बताया नहीं ये सब? करने देते नहीं थे। 20 महीने में नहीं करने दिए? 20 महीने में केवल 2 बार मेरा फोन कॉल हुआ, वो और वो भी 3-3 आदमी मेरे आजू बाजू बैठते थे। ओके, क्या भाई ये कुछ बोले नहीं, गलत बोले नहीं। ओके, मतलब पुलिस को आप या तो अप्रोच करने नहीं बोलो? हाँ, घर वाले लोग को बोलो नहीं ऐसा कि हाँ भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, साफ कर रहा हूँ, उल्टी उठा रहा हूँ, डायपर चेंज कर रहा हूँ, ये मैं घर 20,000 देने के बाद भी? हाँ, 20,000 रुपया देने के बाद, मतलब 4 लाख रुपया खर्चा किया आपने 20 महीने में। हाँ, उसके बाद आपने आपको नौकर के ऐसा रख दिया? अरे मतलब नौकर से भी बेकार था मैं। खाना पीना का बोल डालो। और खाना पीना एकदम घटिया रहता है। हफ्ते में 4 दिन गवार का भाजी, मतलब अभी खाना है तो उसके लिए मैं बोलूंगा नहीं कुछ, पेट भरने के लिए आदमी खाएगा ही, जिंदा रहने के लिए आदमी खाएगा ही। तो 20,000 रुपये लेने के बाद भी ऐसा करते? अरे 20,000 रुपये लेने के बाद भी मैं संडास उठाता था, उल्टी साफ करता था, डायपर चेंज करता था, मैंने आपको सब बताया ना। हाँ बराबर बात है। बोलिंग नाका, संजीवन फाउंडेशन, धर्मेश सेठ, सिराज डेकोरेटर के सामने। ओके, वो तो बराबर है, एड्रेस हमें भी पता चला है वहाँ का। मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ बोलो। अपना वहाँ कितने जन रहते थे एक साथ? 70 से 80 जन। 70 से 80 जन? 80 जन एक साथ एक ही जगह? हाँ, एक ही में ओल्ड एज में नाश्ता का बताओ, नाश्ता में क्या क्या देते हैं? ओल्ड एज में 25 बेड था। 25 बेड? हाँ। ओके, ओल्ड एज में। और हम लोग को रात भर जागना पड़ता था। काय के लिए रात भर जागने का? अरे ओल्ड एज का ख्याल रखने का, मतलब वॉचमैन। हाँ। ओके, नाइट भी करने का। क्या करने का? नाइट भी करने का। हाँ। तो ये मतलब पैसे भी दो और ये सब होता है?
तो आप क्या चाहते हो, अभी क्या होना चाहिए इसके खिलाफ? ऐसे जो आपके साथ हुआ बराबर, फाउंडेशन के खिलाफ क्या आप चाहते हो कि क्या एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को? दूसरे के साथ में ऐसा न हो, और वहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट है, 7 साल से है, 2.5 साल से है, 5 साल से है, बेचारे सड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे वो लोग को। ठीक है, वो छोड़ नहीं रहे, वो तो उन लोग का कुछ फैमिली वाले का होगा, वो बात अलग हो गई। फैमिली वाले का है बात मैं मानता हूँ, लेकिन फैमिली वाले का भी है ना ऐसा रहता है, एक है पेशेंट है हर्षद वाला, बराबर है हर्षद वाला बराबर, उसके भाई ने उसको रखा, और हर्षद वाले का एक नौकरी है बीएमसी का, उसके भाई ने उस खुद की औरत को दिला दिया। बात सुनो आप, सब ये सब बात से अपना नहीं है कंसर्न, अभी तुम क्या चाहते हो, ऐसा फाउंडेशन बंद हो जाना चाहिए? फाउंडेशन बंद हो, फाउंडेशन बंद होना चाहिए, और इनके खिलाफ प्रशासन को कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी हमारे न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करेंगे कि ऐसा आज एक इंसान के साथ हुआ। आपकी उम्र कितनी है भाई? 48 मीन्स आपकी एज, ये एज में भी आपने इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी नौकरी की, बराबर? हम हमारे हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम प्रशासन तक पहुँचाए, और हो सके तो इसका जो फाउंडेशन है उसके ऑनर के खिलाफ केस हम चाहेंगे कि फाइल हो, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी हम अपना कोशिश करेंगे। धन्यवाद। येल्लो प्रेस से वारिस अली सैयद।